सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप एंड्रॉइड से आईफोन में और आईफोन से एंड्रॉइड फोन में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, कोई पिक्चर हो, डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी फाइल हो, आप सीमलेस तरीके से अपने एंड्रॉइड से आईफोन में और आईफोन से एंड्रॉइड फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस ऐप का हम यूज करेंगे वो है जियो स्विच ऐप, जिसमें ना ही कोई एड्स आता है और ना ही इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होता है। पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे, तो वीडियो माइट भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिए हैं। अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि एंड्रॉइड से आईफोन में कैसे ट्रांसफर करें, तो आप जो है सिंपल वो प्रोसेस जान सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि आईफोन से एंड्रॉइड फोन में फाइल कैसे ट्रांसफर करें, तो आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप सिर्फ वो प्रोसेस जान सकते हैं। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M51 है, जो कि एक एंड्रॉयड फ़ोन है, और यहाँ पे ये मेरा आईफोन है, iPhone SE 2020। यहाँ पे एक टाइमर रखे हैं जिसकी मदद से हम आपको दिखाएंगे ट्रांसफ़र स्पीड आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में और एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में, और काफ़ी अच्छा खासा हम एक बड़ा फाइल को ट्रांसफ़र करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग पाए जियो स्विच ऐप का हम यूज़ करने वाले हैं। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड फ़ोन सैमसंग M51, और ये रहा हमारा आईफोन, और दोनों में ही जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको सेटिंग दिखा देते हैं। तो आईफोन की अगर सेटिंग का बात करें, तो कनेक्टिविटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल डेटा जो है वो ऑफ है, वाईफाई भी ऑफ है और ब्लूटूथ भी ऑफ है, पर्सनल हॉटस्पॉट भी ऑफ है, ठीक है। वहीं अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन का बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई ऑफ है, हॉटस्पॉट ऑफ है, ब्लूटूथ को हम ऑफ कर देते हैं, मोबाइल डेटा भी ऑफ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम जियो स्विच जो है इसमें एंड्रॉयड फ़ोन में ओपन कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अपने आईफोन का बात करें, तो यहाँ पे भी जो है हम जियो स्विच ऐप को ओपन कर लेते हैं। इस तरीके का कुछ आपको होम स्क्रीन जियो स्विच ऐप का जो है मिल जाएगा। ये कुछ नोटिफिकेशंस रहता है, इसको आप क्लियर कर सकते हैं, तो हम क्लियर कर देते हैं। तो इस तरीके का आपको स्क्रीन मिल जाएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से आप एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेनली वीडियो हम आपको दिखाएंगे, और उसी तरीके से आप सारा जो भी डेटा आपको ट्रांसफ़र करना आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम एंड्रॉयड पे सेंड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो भी फाइल्स आपको ट्रांसफ़र करना है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हम वीडियोस फाइल में जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको पूरा वीडियोस जितना भी है सब ट्रांसफ़र करना है, तो सिंपली आप इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे। बट अगर आपको वीडियो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो आपको एरो दिख रहा है इसके ऊपर आप टैप करेंगे, और उसके बाद जितना भी फ़ोन में वीडियोज़ है ना, सारा वीडियोज़ यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, ये है हमारे पास 11 मिनट एंड 52 सेकंड्स का ये वीडियो है, और डेफिनेटली इसका जो है काफ़ी बड़ा साइज़ का होगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ नीचे में डन पे टैप कर देंगे। डन पे करने के बाद सेंड पे टैप कर देंगे। सेंड पे करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में दो ऑप्शंस मिलता है, हम फ़ोन को थोड़ा सा सामने ले आते हैं, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। एक तो है सेंड डेटा टू जियो फोन, और दूसरा है सेंड डेटा टू आईफोन। सेंड डेटा टू आईफोन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो स्टेप दिखा रहा है। सबसे पहला कि आपको आईफोन के वाईफाई सेटिंग में जाना है, और वहाँ पे वाईफाई में आपको ये एक वाईफाई दिखेगा, इससे आपको ये पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने आईफोन पे। यहाँ पे आईफोन में हमको जो है अपना वाईफाई ओपन करना है, तो यहाँ पे हम वाईफाई ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमको एक वाईफाई दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर वाईफाई जो यहाँ पे हमको नेम शो कर रहा है ना, वो वाईफाई हमको यहाँ पे दिख रहा है। इसके ऊपर हम टैप करेंगे, और उसके बाद हमको यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो पासवर्ड है वो हम एंटर कर देते हैं फटाफट से। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे टैप कर देना है। ज्वाइन बटन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जियो स्विच ऐप में चल जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको रिसीव पे टैप कर देना है, ठीक है। रिसीव पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एनिमेशन आ जाएगा कि आपका आईफोन का जो सिग्नल है वो इमिट हो रहा है। वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं सैमसंग M51 में, इसको हम नीचे कर देते हैं, कंटिन्यू रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको आईफोन का जो है सिंबल दिख जाएगा। अब इसके ऊपर जैसे ही टैप करेंगे ट्रांसफर जो है वो शुरू होता है। तो हम यहाँ पे और टाइमर को एक साथ स्टार्ट कर देंगे, टैप दोनों को एक साथ करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर जो है वो शुरू हो चुका है। ये 4GB का वीडियो फाइल था, और उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टाइमर जो है वो शुरू कर दिए हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग पाए कि कितना देर लगेगा 4GB का एक वीडियो फाइल ट्रांसफर करने में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड से iOS में 4GB का फाइल ट्रांसफर होने में जो है ना 12 मिनट 36 सेकंड का समय लगा, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा है, बट फिर भी जस्टिफाइबल है। क्यों है वो हम इस वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप। इसमें हम लोग
iOS से मतलब कि आईफोन से एंड्रॉयड फोन में सेम फाइल को ट्रांसफर करेंगे, वही 4GB का वीडियो फाइल, और देखेंगे कि कैसा ट्रांसफर स्पीड मिलता है और कैसे आपको ट्रांसफर करना है। मेनली प्रोसेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से जो है हम फिलहाल डन कर देते हैं, यहाँ से भी डन कर देते हैं। डन करने के बाद वापस से जो है आपका ऐप जो है होम पेज पे आ जाएगा और यहाँ से जो है हम इस नोटिफिकेशन को जो है ना क्लियर कर देते हैं। तो ये इस टाइप का होम पेज मिलेगा। इसके अलावा जो कनेक्शन है उस सबको भी ऑफ कर देते हैं। लाइक यहाँ पे वाईफाई ऑन था, वाईफाई को ऑफ कर दिए, बाकी सारा जो है वो पहले से ही ऑफ था। इसके अलावा अगर एंड्रॉयड फ़ोन का बात करें तो यहाँ पे भी वाईफाई ऑन था तो वाईफाई को ऑफ कर दिए, बाकी ब्लूटूथ इंटरनेट और हॉटस्पॉट जो है वो डिसेबल्ड है, मतलब कि ऑफ है। अब हमको आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में जब डेटा या कुछ भी ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे हमको सेंड बटन को टैप करना है। अगेन यहाँ पे जितना भी फाइल्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सब यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर पूरा वीडियो फाइल सेलेक्ट करना है यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करना है आपको वीडियो फाइल जिसको ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे जो आपको एरो मिलता है उसके ऊपर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे जो है ना रिसेंटली जो इसमें रिसीव्ड हुआ है फाइल 11:52 का है, आई होप आपको स्क्रीन पे हम दिखा पा रहे हों, तो इसको हम जो है यहीं से हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डन पे टैप कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम सेंड पे टैप कर देते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, सेंड डेटा टू जियोफोन या सेंड डेटा टू नॉन iOS डिवाइस। हमको ये सेकंड ऑप्शन जो है सेंड डेटा टू नॉन iOS डिवाइस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ जाएगा। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो आपको सेटिंग को ओपन करना है, ओपन सेटिंग ऑफ योर iOS डिवाइस, और उसमें वाईफाई में जाना है और कनेक्ट टू द वाईफाई क्रिएटेड बाय रिसीवर फोन, कम बैक टू जियो स्विच ऐप एंड कोलैप्स द स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से जो है ना एक वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आ गए। यहाँ पे हम इंटरनेट को ऑन नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान में दीजिएगा, और यहाँ पे हम हॉटस्पॉट जो है वो सिंपली यहाँ पे क्रिएट किए। क्रिएट करने के बाद वापस से हम जो है एंड्रॉयड फ़ोन में होम स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे हम आईफोन में जो है सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में हमको वाईफाई से कनेक्ट करना है जो हम हॉटस्पॉट क्रिएट किए हैं रिसीवर फ़ोन से जो कि एंड्रॉयड फ़ोन है, और वाईफाई पे हम लॉन्ग टैप किए, फिर से लॉन्ग टैप किए इनेबल करने का, फिर से लॉन्ग टैप किए, यहाँ पे जो भी वाईफाई इनेबल्ड होगा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी M51 जो इससे हम वाईफाई क्रिएट किए हैं वो इनेबल्ड है और यहाँ पे दिखा रहा है और इससे कनेक्टेड नहीं है फिलहाल हमारा आईफोन। इसके ऊपर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है सिंपली ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे हम पहले कनेक्ट किए थे, बट क्या है ना कि वो पासवर्ड को हम चेंज कर दिए हैं ताकि आपको समझा पाएं। ठीक है, पासवर्ड को आपको फिर से एंटर करना पड़ेगा। तो ओके करते हैं, हम वाईफाई सेटिंग में चलते हैं। ठीक है, जो भी न्यूली वाईफाई जो कि पहले से कनेक्टेड नहीं है वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। तो यहाँ पे वाईफाई इनेबल्ड है और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो वाईफाई है गैलेक्सी M51 शो कर रहा है। इसके ऊपर हम टैप करेंगे और यहाँ पे हमको अब पासवर्ड इसमें एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड फॉर गैलेक्सी M51 आ रहा है, ओके कर दिए और यहाँ पे अब हम जो है इसका पासवर्ड एंटर कर देंगे। पहले हम पासवर्ड रखे थे 1234567 8, अब हम रखे हैं 8765 4321। करने के बाद हम यहाँ पे ज्वाइन पे टैप कर दिए। ज्वाइन पे टैप करने के बाद आप देखेंगे कि ये कनेक्ट हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको जियो स्विच दिख रहा है ऊपर स्टेटस बार में, इसके ऊपर टैप कीजिए। जियो स्विच ऐप में हम आ गए हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे M51 तो नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम M51 एंड्रॉयड फ़ोन में रिसीव पे टैप नहीं किए। हम रिसीव पे यहाँ पे टैप करते हैं। रिसीव पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपका जो सैमसंग फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें इनेबल हो गया और यहाँ पे आपको जो है आइकन जो है वो शो करने लगेगा आपके आईफोन में। अब यहाँ पे हम जैसे ही टैप करेंगे ट्रांसफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हम टैप करेंगे और टाइमर को भी टैप कर देंगे साथ में। तो हम स्टार्ट किए और जो ट्रांसफ़र है वो शुरू हो गया, टाइमर भी हम शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक बार जब पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम आपको यहाँ का भी ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो शो कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें कि आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में भी जो है वीडियो 4GB का जो फाइल था वो ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 10:31 लगा, मतलब कि 2 मिनट कम समय लगा आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र करने में। और अगर आप अभी तक वीडियो पे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है तो कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखिए एंड्रॉयड से आईफोन में और आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र कैसे करना है जियो स्विच ऐप की मदद से। एंड्रॉयड से आईफोन में फाइल ट्रांसफ़र करने में 12:36 के अराउंड का समय लगा और आईफोन से एंड्रॉयड फोन में फाइल ट्रांसफर करने में 10:31 के अराउंड का समय लगा। इतना टाइम लगने के बावजूद भी हम ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है इसको जस्टिफाइबल इसलिए बता रहे हैं बिकॉज ये जो दो इकोसिस्टम है ना एंड्रॉयड और आईओएस,
इन दोनों के बीच में फाइल ट्रांसफर कर पाना बहुत मुश्किल है। iOS तो चाहता ही नहीं कि हम एंड्रॉइड से किसी प्रकार का कनेक्शन रखें, ऐसा लगता है। तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप का यूज करना पड़ता है। अब जितना भी थर्ड पार्टी ऐप है, लाइक हम Zapier ट्राई किए और सेंड एनीवेयर टाइप का ऐप था, फाइल सेंड एनीवेयर, तो वो सब हम ट्राई किए, बहुत सारे ऐप्स ट्राई किए। बट जितना भी ऐप्स आप ट्राई कीजिएगा, सारे में आपको जो है ना बहुत ज्यादा एड्स देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि जियो स्विच से हम एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर किए या फिर आईफोन से एंड्रॉइड फोन में जब फाइल ट्रांसफर किए, बीच में आपको कहीं पे भी कोई एड्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। अदर जितना भी एप्स हम ट्राई किए, सब में पॉपअप एड्स आता है। मतलब जब तक आप उसको कट नहीं करेंगे, तब तक आपका ना ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट होगा ना ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये सबको देखते हुए हमको जियो स्विच ऐप जो है वो ज्यादा रिलायबल लगा। इसके अलावा जियो स्विच ऐप के साथ हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लेके ज्यादा एश्योर्ड है, बिकॉज जिस तरीके से गूगल एक जायंट है, उसी तरीके से ये ट्रुथ है कि जियो भी इंडिया में एक जायंट है और इंडियन ब्रांड है, इंडियन ऐप है, तो थोड़ा सा ज्यादा भरोसा रहता है प्राइवेसी को और सिक्योरिटी को लेके। तो आप इस जियो स्विच ऐप को यूज कर सकते हैं एंड्रॉइड से आईफोन और आईफोन से एंड्रॉइड फोन में फाइल ट्रांसफर करने के लिए। काफी सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।